एल्बो डालो, तो ये वाला पाइप डाल दिया करो, ठीक है? नहीं तो बाद में दिक्कत आती है जब निकालने उकाने में पेचकस। मारुति सुजुकी की सियाज है, अब इसमें प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की, तो अभी हम खोलने जा रहे हैं। ओवर हीटिंग में इसकी जो एल्बो होती है जिसमें बाल होता है वो एल्बो लीक कर गई है। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से खोली जाती है, आपको दिखाने क्या क्या खुलता है, ठीक है? पहले बैटरी हटा देंगे, ठीक है? ये पानी का डिब्बा हटा देंगे, इसको साइड में पाइप हटा के इसको पूरा इधर कर लेंगे, ठीक है? फिर फिल्टर हटा देंगे, इतना काम करने का, फिर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? देख लो फिटिंग इसके अंदर ही होती है, ठीक है? सारी फिटिंग देख लो, ठीक है? तो अभी मैं इतना करने के बाद फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैंने इसका खोल दिया है, बैटरी बॉक्स खोल दिया, एयर फिल्टर खोल दिया है, बैटरी खोल दिया और डिब्बा मैंने साइड में कर दिया, ठीक है? और ये देख सकते हो आप, ये इसकी एल्बो है जो लीक कर रही थी, ठीक है? यहाँ से जो पाइप है उसके वहाँ से, ठीक है? पाइप से नहीं, पाइप के अलग से, ठीक है? जहाँ पाइप गल गया है, गल के एल्बो टू हो गई है, ठीक है? अभी आपको दिखाएंगे कहाँ से लीक कर रहा था, ठीक है? जो एल्बो वो गल जाती है तभी ये लीक करने लगता है, प्लास्टिक की होती गल जाती है, ठीक है? तो अभी इसका पाइप, इसमें क्या क्या होता है देखो, एक ये पाइप होता है, ठीक है? एक ये 10 नंबर का बोल्ट होता है, ठीक? एक एक ये वाला पाइप होता है, ठीक है? और एक सॉकेट होता है, टेम्परेचर यूनिट सेंसर का होता है, ठीक है? सॉकेट, ठीक, यहाँ पर हो गया। और एक पाइप EGR का पीछे से हो गया, ठीक है? यहाँ पर ये वाला, और ये जो 10 नंबर का बोल्ट है, एक बोल्ट पीछे भी होता है, ठीक है? उसको खोलोगे तो क्या होता है, ये जो है पाइप वो हल्का सा नीचे आ जाता है, ठीक? तो आराम से हो जाता है, खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप देख सकते हो, तो इसको इस तरीके से हम खोल के, फिर इतना सारा खोल के, फिर आपके मेन बोल्ट जो होते हैं फिर वो दिखाएंगे, शिफ्ट की तरह ही होता है, ठीक है? आपको एक बार दिखा दें, ठीक? इतना करके फिर ए वाली जो लॉक लिखाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक? ये पाइप इतना बताया, बोल्ट वोल्ट खोल के फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, सॉकेट लिखा के फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैंने पाइप सारे लिखा दिए, ठीक है? ए वाला पाइप भी, पाइप की लॉक लिखा दी, पाइप थोड़ा बिल करेगा, पाइप अभी नहीं लिखा रहा, ठीक है? सारे पाइप लिखा दिए हैं और अब इसका मेन बोल्ट खोलने जा रहे हैं। ये बोल्ट है, देख सकते हो आप यहाँ से, ये वाले बोल्ट है, ठीक है? ये वाला बोल्ट है, एक इधर और एक इधर है, ठीक है? नीचे ये वाला, ठीक है? दो बोल्ट लगते हैं इसमें, T45 स्टार एल की गोटी लगती है, कुछ इस प्रकार की, ठीक है? ये दोनों गोटी लगा के खोल लेंगे, फिर इसको एल्बो को बाहर निकाल के फिर अभी आपको दिखा रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम थी इसमें, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक? क्यों ओवर हीटिंग कर रही थी गाड़ी। मैंने एल्बो खोल दी है, तो ये है इसकी एल्बो। तो मैंने आपको कहा था ये गल गई थी, तो आपको बता दें कहाँ से गल गई थी, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से गल गई थी, इसमें खांचे हो गए, ठीक है? गड्ढे पड़ गए इसमें, ठीक है? तो यहाँ से लीक कर रही थी, तब इसकी हम नई एल्बो डालेंगे, ठीक है? एक नई एल्बो डालेंगे और ये वाला पाइप डालेंगे, ठीक है? आपको क्या बता दें, जब ये एल्बो डालो तो ये वाला पाइप डाल दिया करो, ठीक है? नहीं तो बाद में दिक्कत आती है जब निकालने उकाने में पेचकस का हल्का फुल्का लग जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे लगा तो है नहीं, क्योंकि पाइप हार्ड भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो इसको पाइप चेंज करेंगे, एल्बो चेंज करेंगे और यहाँ की सफाई करके फिर आगे की फिटिंग आपको लगाएंगे, बताएंगे A to Z किस तरीके से इसको फिट करना चाहिए, ठीक है? A to Z फिटिंग आपको दिखाएंगे। एल्बो इसकी खोल दी थी मैंने, आपको बता दिया था। और ये इसकी पुरानी एल्बो है, ठीक है? और इसकी नई वाली एल्बो है, तो इसको फिट करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिट होता है पाइप। ये देखिए मैंने इसमें बोल्ट लगा के पाइप लगा दिया था, इसमें बोल्ट लगा लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसको हम लगाएंगे और एल्बो को, ये मैंने आई वाला पाइप चेंज कर दिया, एल्बो चेंज कर दिया, एल्बो खोलो तो ये वाला चेंज कर देना चाहिए, ठीक है? तो दिक्कत आती है बाद में। ये इसकी नई एल्बो है, तो इसको हम फिट करेंगे। तो इन पाइपों में हल्की हल्की बोल्ट लगानी पड़ेगी, इस वाले पाइप में और इस वाले पाइप में, ठीक है? और हल्की सी इस वाले पाइप में लगा लेनी पड़ेगी, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक? इसमें रबड़िंग होती है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? रबड़िंग रोक लेती है, ठीक है? तो इसको हम लगा के, इसमें लगा के फिर उधर जब उसके अंदर फांस देंगे इसके अंदर, फिर अभी आपको दिखाएंगे। और इसमें इस तरीके के बोल्ट लगते हैं कुछ, ठीक है? अभी अंदर इसको फांस के फिर अभी आपको दिखाएंगे। मैंने एल्बो लगा दी है अंदर और पाइप भी लगा दिया था, ठीक है? अब इसकी हम क्लैंप टाइट कर देंगे, ये पेचकस वाली जो पेचकस वाली क्लैंप यहाँ पर टाइट होगी, अरे पेचकस वाली यहाँ पर क्लैंप टाइट होगी, ठीक है? और इसमें ये बोल्ट लगता है और इसमें स्टार की T45 की गोटी लगती है, ठीक है? ये दोनों बोल्ट हम टाइट कर देंगे, एक यहाँ लगता है, देख सकते हो, ये वाला बोल्ट है, ठीक है? यहाँ पर और एक नीचे बोल्ट है, ठीक है?
ये वो है, ठीक है। यहाँ पर दो बोल्ट होते हैं, इसमें दोनों बोल्ट हम इसके टाइट कर देंगे और इसका टेम्परेचर यूनिट का सेंसर लगा देंगे और ये पाइप लगा देंगे और ये इसके एल्बो की सारी फिटिंग करके फिर आपको दिखा देंगे किस तरीके से, फिर बता भी देंगे, ठीक है। सारी फिटिंग करके फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। मैंने इसकी एल्बो फिट कर दी है, ठीक है, आपको दिखा दें और बता भी दें, ठीक है। एक पाइप ये रेडिएटर से मेन पाइप हो गया, ठीक है, ये इसमें लग गया एल्बो में, ठीक है। और ये आई वाला पाइप है वो नीचे लग जाता है, ठीक है। इसमें दो क्लंप, जो इसकी स्पेशल क्लंप होती है वो बेकार हो जाती है, ठीक है। तो इसमें दो वाली पेचकस वाली क्लंप लगानी पड़ती है, ठीक। तो मैंने पेचकस वाली दोनों क्लंप लगा दी, आई पाइप बदल दिया, ठीक है। और इसका टेम्परेचर विंड सेंसर मैंने लगा दिया था सॉकेट, तो ये हो गया, ठीक है। और ये EGR से जो पाइप आता है पानी का, वो वाला मैंने लगा दिया, उसमें क्लंप लगा दी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये आपको दिखा रहे, ये जो सपोर्ट होती है इसकी पाइप में जो सपोर्ट लगती है वो आपको दिखा रहे। यहाँ पर एक सपोर्ट लगती है 10 नंबर की, एक यहाँ पर होती है, एक जैसे ए बोल्ट नहीं खोलोगे एक बोल्ट और होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दें एक बार, पीछे बोल्ट होता है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपके सामने 10 नंबर का बोल्ट है। जैसे ये बोल्ट नहीं खोलोगे तो ये पाइप नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं जाएगा तब से एल्बो निकलेगी नहीं, ठीक है। तो ये दो बोल्ट खोलना ज़रूरी रहता है, ठीक। दोनों बोल्ट मैंने लगा दिए हैं, अब इसकी सारी फिटिंग कर देंगे, जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक। पंखा चलता है, हीट होती है कि नहीं, ठीक। सारी फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, ठीक। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और पानी पूरा कर दिया है, अभी पानी जाएगा, गाड़ी हीट होगी तो पानी जाएगा, अभी हम ढक्कन लगाने के तो गाड़ी गर्म होगी तभी पानी जाएगा, ठीक है। उसका ढक्कन लगाने के बाद हम जब पंखा उनका चल जाएगा फिर आपको दिखा देंगे एक बार, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक। एक बार पंखा उनका चला के फिर आपको दिखा देंगे, ठीक। मैंने गाड़ी हीट कर ली है, ठीक है, और इसका पंखा चल गया था अभी, तो पंखा चल के बंद हो गया है तो कहीं से लीकेज भी नहीं है, हीटिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप देख सकते हो कार फिटिंग खुल जाती है, स्विफ्ट की तरह खुलती है लेकिन ये स्विफ्ट का इंजन, लेकिन हाइब्रिड वाला इंजन है ये। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।